यहाँ पर मैं 100 से भी ज्यादा हीलियम बलून्स लेकर के आया हूँ, क्योंकि आज हम लोग अपने फोन को इन्हीं सारे बलून्स पर लगा करके कैप्चर करने वाले हैं एक फेक ड्रोन शॉट, वो भी एक बंजर लोकेशन पर पूरा का पूरा एक बेड सेटअप करते हुए। एंड ये सारी चीजों को पता है हमने किससे शूट किया है? विद द ब्रांड न्यू ओप्पो रेनो 11 फोन से। अब वैसे देखा जाए ना तो फेक ड्रोन शॉट मैंने एक बार पहाड़ के ऊपर से फोन को फेंकते हुए भी लिया था, लेकिन इस बार ओप्पो ने फोन को काफी हद तक हल्का बनाया है। तो मैंने सोचा क्यों ना इस बार फोन को ही आसमान में उड़ाया जाए ढेर सारे हीलियम बलून्स की मदद से, जिससे हमें यहाँ पर परफेक्ट ड्रोन शॉट मिल पाए। एंड फोन हल्का होने के साथ साथ इस पर ओप्पो ने फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी को लेकर के क्या कुछ नया अपडेट किया है, इसको जानने के लिए ना मैं इंडिया के कुछ कुछ कोने में जाकर के इसका टेस्ट करने वाला हूँ। भाई वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाली है, फटाफट से जाकर के वीडियो को लाइक कर दो। एंड यस, वीडियो को यहाँ से शुरू करते हैं। अब देखो यहाँ पर मुझे कुछ रैंडम फोटोज कैप्चर करने थे इसका कैमरा टेस्ट करने के लिए, तो इंटरनेट पर मैं जस्ट सर्च करता हूँ बेस्ट रैंडम पिक्स इन इंडिया, तो मुझे यहाँ पर बनारस की काफी सारी पिक्स दिखती है गोल्डन आवर्स में खींची गई। तो फिर क्या था, फटाफट से टिकट बुक करता हूँ एंड निकल जाते हैं बनारस की तरफ अपने ओप्पो रेनो 11 फोन को लेकर के। अब जैसे अगली सुबह मैं घाट किनारे पहुंचता हूँ तो भाई ठंड इतनी ज्यादा थी कि सूरज तो भाई दूर दूर तक दिखा ही नहीं हमें। खैर ठंड को दूर भगाने के लिए मैं यहाँ पर चाय पी रहा होता हूँ, अचानक से मेरी नजर पड़ती है उस चाय बनाने वाले लड़के पर। तो फिर क्या था, यहाँ से मैं अपने ओप्पो रेनो 11 को निकालता हूँ एंड सीधा जाता हूँ इसके पोर्ट्रेट कैमरे पर, जो कि 32 मेगापिक्सल सोनी IMX709 सेंसर के साथ आता है। अब मैंने उस लड़के के काफी सारे रैंडम पिक्स क्लिक किए जिसका रिजल्ट ये रहा। जूम करने पर भी देख सकते हो इसकी डिटेलिंग काफी बढ़िया तरीके से कैप्चर हुई है। वेल, अब हम लोग निकल जाते हैं ना रामनगर किले की तरफ। एंड अंदर जाने के बाद ऐसा कुछ खास क्लिक करने को मिला नहीं, तो सोचा चलो खुद की पिक क्लिक कर ली जाए इसके पोर्ट्रेट कैमरे से। एंड यस, यहाँ पर भी काफी सारी पिक्स ली है मैंने। अगर जूम करके यहाँ पर विंडो पर देखेंगे तो जो लाइट पड़ रही थी ना उसका बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पर बुके इफेक्ट आया हुआ है। वेल, डे लाइट कंडीशन में तो इसका पोर्ट्रेट कैमरा बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रहा था, लेकिन क्या रात में भी ये उतना बढ़िया तरीके से काम कर पाएगा, उसी का टेस्ट करने मैं पहुंच जाता हूँ घाट पर, जहाँ पहले से ही काफी सारे फोटोग्राफर्स आए हुए थे। तो मैंने सोचा जो चीज वो लोग कैप्चर कर रहे क्यों ना उसी मोमेंट को मैं कैप्चर कर लूं। एंड यस, ये रहा रिजल्ट आप लोग के सामने। भाई रात में भी बहुत तगड़ा बुके इफेक्ट आया है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे मिररलेस कैमरे से क्लिक किया गया। नाउ बनारस का ट्रिप यहीं खत्म होता है, वापस से आ जाते हैं मुंबई। ओके, सो नाउ यहाँ पर हम लोग इसका वीडियो टेस्ट करने वाले हैं इसी फोन के प्राइमरी कैमरे से, जो कि 50 मेगापिक्सल अपर्चर 1.8 प्लस OIS के साथ आता है। वेल, देखो इसका आइडिया ना मुझे फोन का वेट देख के ही आया, जो कि काफी हद तक हल्का बनाया है ओप्पो ने, तो मैंने सोचा चलो क्यों ना इसको गैस वाले बलून्स पर लगा करके उड़ाया जाए। लेकिन बोलने में जितना इजी लग रहा है ना, प्रैक्टिकली करने में उतना आसान था नहीं। इसको शूट करने के लिए पहले तो ये जानना हमें जरूरी था कि आखिर बलून्स कितने सारे लगेंगे इस फोन को हवा में उड़ाने के, जिसको प्रॉपर कैलकुलेट करने के लिए मैंने 15 बलून्स मंगाए एंड उस पर अपने कार की की लगाई, जो कि ठीक ठाक हवा में उड़ा ले रहा था। अब उसी की को हमने वेट किया, जो कि 88 ग्राम के आसपास आ रहा था, तो कैलकुलेशन ये आया कि 15 बलून्स 88 ग्राम तक का वेट मैक्सिमम ले जा सकता है। देन फोन को हमने वेट किया जो कि 184 ग्राम का था। अब 15 बलून अगर 88 ग्राम तक का वेट ले रहा है तो 40 बलून 180 ग्राम के ऊपर तक का वेट तो आराम से ले ही सकता था। तो फिर क्या था, 100 के आसपास बलून्स एंड पूरा का पूरा एक बेड कार में ही भर करके निकल जाते हम लोग एक खुली सी लोकेशन पर। एंड वहां पहुंच करके एक बेड सेटअप करते हैं एंड अपने फोन को उन्हीं सारे बलून्स पर लगा देते हैं। एंड देन यहां पर असली प्रॉब्लम शुरू होती है। जैसे ही हम लोग यहां शूट करने जा ही रहे होते हैं तो अचानक से हवा इतनी तेज चलने लगती है कि भाई मानो एक टॉर्नेडो आ गया हो, सारा का सारा बलून्स हमारा हवा में ही उड़ जाता है। तो फिर क्या था, सारी की सारी चीजें पैक करके वापस से हम लोग निकल जाते हैं घर की ओर। लेकिन वही गलती वापस ना हो इसलिए काफी सारी लोकेशन ऑनलाइन ढूंढने के बाद हमने वहां की विंड स्पीड भी चेक करी एंड सब कुछ फाइनलाइज करके वापस से निकल जाते हैं एक दूसरी सी लोकेशन पर। एंड वहां पहुंच करके पहले तो वही बेड को प्रॉपर सेट करने बैठ जाते हैं, देन उसके बाद बिस्तर एंड पिलो लगाकर एक प्रॉपर बेड रेडी कर लेते हैं, देन अपने फोन को धागे की मदद से नीचे का एंगल करते हुए बिल्कुल स्टेबल करके उन्हीं बलून्स पे बांध देते हैं। एंड ये सारी चीजें सेट करके जैसे ही बलून्स को छोड़ता हूं तो वो स्मूथली ऊपर की तरफ जाने लगते हैं एंड बलून हवा में ना उड़ जाए इसके लिए एक्स्ट्रा धागा बांध कर हमने अटकाया हुआ था। वेल, तो यहां पर काफी सारा टेक देने के बाद एक परफेक्ट शॉट हमें मिल ही जाता है, जिसका रिजल्ट ये रहा आपके सामने। Okay.
तो जस्ट यहाँ पर मैं एक ब्यूटीफुल सी लोकेशन पर आया हुआ था, तो सोचा इसका वाइड एंगल कैमरा और स्लो मोशन दोनों टेस्ट कर लेते हैं। शुरुआत करेंगे इसी के वाइड एंगल लेंस से, जो कि 8 मेगापिक्सल विद 16mm फोकल लेंथ के साथ आता है। अब यहाँ पर सनसेट हो रहा था ना, तो मैंने क्या किया, एक बहुत ही क्रिएटिव वे में सूरज की रोशनी को उन पत्तों के बीच में से आते हुए कैप्चर किया है। सेल्फी कैमरे की बात करी जाए तो 32 मेगापिक्सल अपर्चर 2.4 के साथ आता है, जिसे आप 4K वीडियोस भी ले सकते हो। एंड कुछ फोटोज भी मैंने यहाँ पर क्लिक करी है, जिसका सैंपल ये रहा। तो अब यहाँ पर मैं स्लो मोशन टेस्ट करने वाला हूँ, जो कि 120 FPS में रिकॉर्ड करूंगा। तो बेसिकली यहाँ पर भी मैंने काफी अलग अलग एंगल पर फ्रेम बना करके वीडियो को रिकॉर्ड किया, एंड जो ये वाला फ्रेम था ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा लग रहा था। तो नॉर्मली वॉक करते हुए मैंने वीडियो को रिकॉर्ड किया हुआ है, जिसका रिजल्ट ये रहा आप लोग के सामने।